अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते थे तो विधानसभा के इलेक्शन क्यों नहीं साथ हो सकते थे? क्यों ऐसे हालात हो रहे हैं? क्यों ऐसी बातें की जा रही है कि जी कोई गवर्नमेंट बनाना नहीं चाहता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर दिया था और इनका फैक्स काम नहीं कर रहा था और इस टाइम तक 12 बजे तक कोई आया नहीं, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि वहां पे सरकार बने, इसलिए इन्होंने ये सब ड्रामा किया, इसलिए ये सब बातें की है और आज बता रहे हैं कि भी नहीं वहां हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वहां के लोग चाहते हैं कि विधानसभा के इलेक्शन हो, वहां चाहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए जिससे वो अपने फैसले खुद कर सके। आप लोगों ने ही पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाई थी, उनको आपने ही गिराया है और आज आप बात कर रहे हैं कि नहीं हो सकता है। ये सब आप लोगों की मिलीभगत है, इसमें आप लोग जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनकी बातों को ना मानने की बात कर रहे हैं, ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे कि वहां पे लोग अमन शांति से ना रह सके। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वहां के लोगों की बात सुनी जाए, वहां के लोगों का जनमत लिया जाए, वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो और ये ऑर्डिनेंस और ये ना बढ़ाया जाए। इलेक्शन कमीशन जो है, अब उसके बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन जो उसका कार्यकाल है, जो उसका एक तरह का रुख है, वो सबके सामने समझ में आता है। इसलिए मैं ये चाहूंगी और मैं कहना चाहूंगी कि लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को देखते हुए आज जो है वहां पे इलेक्शन होने चाहिए जिससे कि वो अपने पसंद की गवर्नमेंट चुन सके और अपने किस्मत का फैसला कर सके। हालात ऐसे ही होते हैं, हम लोगों ने भी इलेक्शन करवाए थे, हमारी पार्टी ने भी इलेक्शन करवाए थे और हुए और उन्होंने कामयाबी के साथ किया। यहाँ बैठे हुए हमारे जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्होंने ठीक ढंग से वहां गवर्नमेंट चलाई थी। आप लोगों के अपने फैसलों की वजह से, आप लोगों की जो तंग नजरी है उससे एक वजह की वजह आज जम्मू कश्मीर के ये हालात हो रहे हैं। इसलिए ये कहना कि वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकता था, ये भी गलत बात है, ये भी हाउस को मिसलीड करने की बात है। वहां पे पूरी तरह से तैयार थे और एक गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट में एक गवर्नर के वहां कहा जाता है ये फैक्स नहीं काम कर रही, क्या बहाना बनाया जा रहा है, किस तरह से लोगों को जो है वो गलत मिसलीड किया जा रहा है, क्या उनको बताने की कोशिश कर रहे, उसमें भी आप लोगों की ही एक नाकामी सूझती है। इसलिए मैं ये कहूंगी कि ये जो आप ला रहे हैं ये सिर्फ धोखा है, कुछ और नहीं है, मिसलीड करने की बात है, इसलिए इसको इस तरह से मत कीजिए। प्रजातंत्र को जिंदा रखिए, लोकतंत्र को जिंदा रखिए, ये आज हमारी मांग है। आज हम चाहते हैं कि इस तरह से प्रजातंत्र जो है वो ठीक रहे और वहां इलेक्शन होने चाहिए। जो आपने ठीक जम्मू के उसमें कहा है कि जी 3% या उसकी बात होनी चाहिए, ठीक है, आप इसके बारे में हम लोग आपके साथ सहमत है कि जिसको जो नहीं मिला मिले, लेकिन उसको ये रूप मत दीजिए, बांटने का रूप मत दीजिए। कश्मीर और जम्मू को मत बांटिए, देश एक है, उसको एक ही रहने दीजिए, अपने इरादों से उसमें मत डालिए। यही जो है बहुत आगे जाके इसका हमें भुगतना पड़ेगा। आज तो आप बहुत उसमें हैं कि आप बहुत मेजोरिटी लेंगे, हम धन्यवाद करते हैं, आपको मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन आपके सामने जनता ने एक चैलेंज दिया है, जनता ने आपके सामने एक बात कही है कि इस देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखिए, झूठी बातों के साथ, झूठे उनके बुलावे में आके इस देश को ना बांटिए। तो मैं इसलिए ये बार बार कहना चाहूंगी कि ये बहाने मत बनाइए, कोई बकरवाल का बहाना बना रहे हैं, कोई अमरनाथ यात्रा का बात कर रहे हैं, कोई किसी चीज का, सीधी तरह कहिए कि अभी हमारा जो है मकसद पूरा नहीं हुआ, जो हम चाहते हैं शायद वहां की जनता ना करे, वो उस तरह से दे, इसलिए हम इसको प्रलोंग करना चाहते हैं। लेकिन जनता जो है वो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, वो भारत की मेन स्ट्रीम के साथ आना चाहती है और उसको आप आने नहीं दे रहे। यही मैं कहना चाहूंगी कि आप इसके लिए अपना ये जो है इसको मत आगे बढ़ाइए और लोकतंत्र का अपनाते हुए इलेक्शन करवाइए और इलेक्शन में उनको जाने दीजिए, लोग जो चाहे वो करें। इन्हीं के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय, धन्यवाद विप्लव जी।